मेरे YouTube व्यूवर्स को फिर से वेलकम है मेरे YouTube चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल के आइकन को ज़रूर हिट करें। वैसे देखा जाए तो फ्राइडे के दिन बहुत काम होता है, लेकिन लोगों का वीकेंड भी फ्राइडे से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने टिफ़िन बना दिया और रोटी वगैरह सब पैक कर दी। सुबह नाश्ता मैं फ्रेश बना के देती हूँ, खाना तो जो रात में बना हुआ रहता है वही ले जाते हैं यहाँ पर। अगर आपके भी हस्बैंड सुबह सुबह घर छोड़कर अपनी ऑफिस के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं या बिजनेस के लिए जाते हैं, तो उन्हें अच्छे से सी ऑफ कीजिए, खुशी खुशी उन्हें ऑफिस भेजिए ताकि पूरा दिन उनका मूड अच्छा रहे। और जब वो शाम में वापस आए तो आपको वीकेंड स्टार्ट होते ही आपका भी वीकेंड स्टार्ट कर दे और घुमाने ले जाए। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग हो गई, फिर मैंने नाश्ता कर लिया। जुनैरा भी तब तक उठ गई थी और फिर जुनैरा अपना कुछ आर्ट वर्क कर रही थी, तो मैंने यहाँ पर सूरह यासीन और सूरह रहमान लगा दिया। और ना मैंने यहाँ सोचा था साउथ इंडियन थाली बनाते हैं, तो मैंने बनाना लीव्स लेकर आई थी, तो वो ख़राब हो जाएगा एक दो दिन में ही, इसलिए मैंने सोचा आज ही ये बना लेती हूँ पत्तल में। और बनाना लीव्स में तो खाना कितना हेल्दी होता है खाना, तो मैंने ये सब रेडी करके चली गई थी, क्योंकि जुनैरा का प्लानिंग था कि आज स्विमिंग के लिए चलते हैं। तो हम वेट कर रहे थे मगरिब की अजान हो जाए तब निकलेंगे, क्योंकि ईशा की तो कभी भी पढ़ सकते, पर मगरिब के टाइम पर पढ़नी पड़ती है नमाज। जुनैरा की साइकिल में चलाऊँ? ओह नो बेबी, नहीं बैठी इस पर क्योंकि मुझे डर लगती है, मैं बैलेंस नहीं कर पाती हूँ। ओके, ओ माशाल्लाह, चांद देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, आंखों से दिख रहा है, कैमरे में इतना प्रॉपर नहीं दिखता है। तो ये है हमारी कम्युनिटी। चलो स्विमिंग पूल भी दिखाती हूँ आपको। ओके कम ऑन लेट्स गो। ये है हमारे पड़ोसी जिनको मैं कभी कभी खाना देती हूँ, मीन्स सॉरी खाना बनाती हूँ तो इनको भेजती हूँ कुछ अच्छी चीज़ें, पर ये मुझे बर्तन नहीं वापस करते। तो देख रहे हो आप पीछे कम्युनिटी हमारी। तो जुनैरा खुद ही बिठा कर ले जा रही है मुझे। तो आते वक्त मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दिया कि हम घर पे नहीं हैं, स्विमिंग के लिए जा रहे, अगर तुम्हें टाइम मिले या तुम आना चाहते हो तो तुम भी आ सकते हो। फिर यहाँ आकर इतना सुकून लगता है ना, दिन भर जो मैं इतना जल्दी जल्दी सारा काम करती हूँ ना घर के, यहाँ आके मुझे बहुत सुकून मिलता है। Good, very good, Zunera, good. Two, three. और मैं यहाँ सिर्फ साजिद को सताने के लिए थोड़ी देर में आधे रास्ते तक पुल में चल कर गई, उसके बाद मैं अंदर जाकर स्विमिंग करने लगी दिखाने के मैं यहाँ तक के स्विमिंग करके आई हूँ। पर जुनैरा ने मेरी पूरी पोल खोल दी और बता दिया कि मैं चीटिंग करके आई हूँ आगे तक। तो ये है यहाँ का चेंजिंग रूम प्लस वॉशरूम, जो कि बहुत साफ़ सुथरा होता है और पानी भी काफ़ी गर्म होता है ठंडी के टाइम पे भी और गर्मी के टाइम पे भी। तो चलिए दिखाती हूँ, यहाँ पर लॉकर्स भी है। आप लॉकर तो लॉक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऐसे चोरी की कोई टेंशन नहीं है, वैसे तो हम रखते नहीं है बाहर ही रखते हैं। और वैसे तो सभी जानते ही है दुबई क्लीनलीनेस के बारे में कितना मशहूर है, तो बस आप आराम से आकर स्विमिंग कीजिए या चेंजिंग कीजिए जैसे आप रिजॉर्ट वगैरह में जाते हैं या वाटर पार्क में जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके, रिलैक्स फील होता है। तो जूनी थक गई थी, उसे भूख भी लग रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी उसके लिए पॉपकॉर्न बना लिया, फिर हमने पत्तल बिछाया और बनाना लीव्स में खाना मैंने सर्व किया सबको। अगर आप मेरी ये रेसिपी देखना चाहते हो तो उज़्मा सैयद के नाम से मेरा चैनल है, आप वहाँ पर मेरी फुल रेसिपी देख सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट।